नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में अब राशन की दुकानों के आवंटन में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाएगा। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर गुरुवार को प्रदेश की गहलोत सरकार ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादे पर अमल करते हुए यह फैसला लिया है। प्रदेश में अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में 30% दुकानें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने उचित मूल्य दुकान आवंटन नीति में संशोधन को मंजूरी भी दे दी है। शिक्षा मंत्री के साथ हुई वार्ता में निजी स्कूल संचालकों की ओर की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। फोरम ऑफ प्राइवेट स्कूल ऑफ राजस्थान का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार शाम को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के सरकारी आवास पर पहुंचा, जहां पर कई घंटों तक वार्ता का दौर चला और इस दौरान फोरम की मांग पत्र के अनेक बिंदुओं पर सरकार द्वारा सहमति जाहिर भी कर दी गई। देश में कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच केंद्र सरकारों ने राज्य सरकारों में टीम भेजी है। इससे पहले 4 राज्यों में केंद्रीय टीम जा चुकी है। हरियाणा, मणिपुर, गुजरात और राजस्थान में निगरानी के लिए केंद्र ने टीमें भेजी है। केंद्र सरकार अन्य राज्यों में ऐसी ही टीमें भेजने पर विचार भी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय पहले ही राज्यों को सलाह दे चुका है। सर्दियों में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी के बीच जांच की सीमा बढ़ाएं और उन मरीजों की पहचान भी करें जिन्हें अब तक चिन्हित नहीं किया गया। दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ने लगी है। डॉक्टरों ने सोनिया गांधी के सीने में संक्रमण की शिकायत देखते हुए उन्हें कुछ दिन के लिए राजधानी दिल्ली से दूर रहने की सलाह दी है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी अगले कुछ महीनों तक गोवा या फिर चेन्नई जा सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी आज दोपहर दिल्ली से रवाना हो सकती हैं। सोनिया गांधी की बीमारी को देखते हुए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी उनके साथ जा सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि अगस्त में अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद से ही सोनिया गांधी डॉक्टरों की निगरानी में हैं। पूरे प्रदेश में मौसम ने करवट बदल दी है। तापमान का पारा लुढ़का हुआ भी नजर आ रहा है। गिरते तापमान की वजह से प्रदेश के कई शहरों में सर्दी का असर तेज देखने को मिल रहा है। जहाँ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद प्रदेश के तापमान में गिरावट नजर आई, जिसके चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आया। वहीं बात करें प्रदेश के सबसे ऊंचे शहर माउंट आबू की, तो माउंट आबू में भी न्यूनतम तापमान करीबन 3 डिग्री तक पहुंच गया है। लगातार कई दिनों से तापमानी का पारा जहां 5 डिग्री पर अटका हुआ था, तो वहीं आज यहां पारा लुढ़का हुआ नजर आया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी की ओर से पंचायती राज चुनाव को लेकर के प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ में जारी किए गए ब्लैक पेपर सहित कई मसलों को लेकर के उस पर निशाना साध दिया है। डोटासरा ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कह दिया कि ब्लैक पेपर में हाथ के निशान को उल्टा दिखाया है। हम कमल को पैरों के तले रौंदते तो वे क्या कहेंगे। राजस्थान में 4.5 माह बाद एक बार फिर से 25 नवंबर से देवउठनी एकादशी से शादियों की धूमधाम शुरू होने जा रही है। शादियों के लिए लोग जयपुर समेत अन्य जिलों में प्रशासन से अनुमति ले रहे हैं। इसके लिए SDM और SDM कार्यालयों में लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ रही है। साथ ही साथ शादियों के बढ़ते आवेदनों को देखते हुए पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ गई। इसकी वजह से कोरोना का बढ़ता संक्रमण भी फैल सकता है। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।